हेलो फ्रेंड, हमारे पे एक सिलेंडर है, दो सिलेंडर हमारे पे। इस पर 22 लिखा हुआ है, इस पर लिखा हुआ है R32। R32 लिखा हुआ तो है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सिलेंडर हमारा खाली नहीं रहता और 32 जगह किसी कोई और गैस होती है। तो इसको कैसे चेक करें, हमारे सिलेंडर में कैसे कौन सा गैस है, कैसे इसको पता करें कि इसमें कौन सा गैस है, वही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आपको लेना है गैज मीटर एल और ये ओपनर, गैस ओपनर, ये आपको इतना लेना है। आपको देखिए लिखा हुआ है इसमें 32 नंबर, ठीक है, और इसमें लिखा हुआ है 22 नंबर। लेकिन कभी कभी ऐसा भी, फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ, कभी कभी ऐसा होता है 32 नंबर लिखा होता है लेकिन कोई टेक्नीशियन ले जाता है दूसरा, या आप खुद यूज करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है हम गैस भर के भूल जाते हैं इसमें कौन सी गैस है। तो वही मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। जानने के लिए आपको क्या करना होगा, डबल गेज मीटर है, बीच वाली लाइन छोड़ गए आपको, ये वाली लाइन जो है आपका नॉजल में लगाएंगे, यहाँ से प्रेशर देखेंगे कितना प्रेशर है इसमें, कितना प्रेशर है। देखिए मैं एक स्क्रीनशॉट लिख दूंगा इस पर कि R22 का कितना होता है, 410 का कितना होता है, 32 का कितना होता है। स्टैंडिंग प्रेशर आपको देखना होगा, रनिंग प्रेशर नहीं देखना है इसमें, स्टैंडिंग मतलब रुका हुआ प्रेशर इसमें देखना है। अगर आपका 155 है या 150 है तो आपका 22 नंबर गैस है। कितना, 150 से लेके 155 तक अगर है प्रेशर इसमें, बैक स्टैंडिंग प्रेशर, रुका हुआ प्रेशर, तो आपका गैस जो है को मैं चेक करूँगा कि इस सिलेंडर में लिखा तो है 32 नंबर बट कौन सी गैस है वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें। चलिए वीडियो पे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, इसमें कनेक्ट कर लेता हूँ, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया। इसको बंद रखेंगे, अगर खुला रखते हैं, अगर खोल के रखेंगे तो ये पूरी गैस आपको बाहर निकल जाएगा। तो इसको आपको देख लेना है अच्छे तरीके से, क्लियर कर लेना है ये बंद है, ये नॉब जो है आपका ये बंद है और यहीं में रुका रहना चाहिए। देखिए करना क्या होगा, इसको मैं बंद कर देता हूँ पहले, गलती से भी खुला रहेगा तो पूरी सारी गैस निकल जाएगी। ये हमारा बंद है, अब इसमें से कैन में से आपको गैस छोड़ना हो, थोड़ा सा गैस छोड़ना है, देखना है कितना प्रेशर पे आ रहा है, ठीक है। तो गैस मैं छोड़ता हूँ, हमारे पास हेल्पर नहीं है इसलिए मैं अकेले ही आपको ये वीडियो बता रहा हूँ। देखिए मैं इसमें गैस छोड़ दिया हूँ, इसमें कितना प्रेशर आ रहा है, देखिए मैं यहाँ से प्रेशर छोड़ दिया हूँ, एक ट्यूब पूरी मैंने प्रेशर छोड़ दिया हूँ, कितना आ रहा है इस पर आप सब देख सकते हैं, 150 से अधिक, मतलब 200 को पार नहीं जा रहा है, 150 155 ये बैक प्रेशर हमारा है। लाइट से शायद दिख नहीं रही होगी आप सबको, दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं आपको एक वो भी चार्ट भी भेज दूंगा कि कितना स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए। देखिए 150 इसमें लिख के आ रहा होगा क्योंकि मोबाइल से आपका फ्लैश कांच पे पड़ रहा है ना लाइट, तो इसके वजह से ये दिख नहीं रहा है, 150 के करीब है, 150 देखिए 200 के पार नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसमें गैस जो है R22 है, 22 नंबर गैस है इसमें। ऐसे ही 410 का चेक करेंगे, 410 का कितना होता है स्टैंडिंग प्रेशर, वो सब आपको मैं चार्ट में एक वीडियो के ही माध्यम से मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा चार्ट में कि कितना स्टैंडिंग प्रेशर होता है। ऐसे ही आप जान सकते हैं कि हमारे जो सिलेंडर में 32 नंबर लिखा हुआ है तो इसमें बहुत दिन से रखे रखे भूल जाते हैं या दिमाग से उतर जाता है, तो
कौन सी गैस है, जैसे आप पता कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि हमको पता नहीं रहता है, हम पूरी गैस निकाल देते हैं। निकालना नहीं है आपको, पूरी गैस निकालना नहीं है। ऐसे ही माध्यम से आप चेक कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।